तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको जिस भी पीडीएफ को एडिट करना है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करो एंड जो भी फाइल आपका पीडीएफ है उसको चूज करके यहाँ पे ओपन कर दो। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू एडिट पीडीएफ इन लैपटॉप, यानी कि आप किसी भी पीडीएफ को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं, तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम अपने पीडीएफ को ऑनलाइन एडिट करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसके लिए आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ब्राउजर में गूगल पे सर्च करो sajda.com, है ना। उसके बाद आपके सामने बहुत सारा लिंक आ जाएगा, जिसमें से ये जो फर्स्ट वाला लिंक है इसको ओपन करो एंड देखो इसका वेबसाइट जो यहाँ पे ओपन हो गया और कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। और देखो यहाँ पे बड़े बड़े ब्लैक कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है, वी हेल्प विथ योर पीडीएफ टास्क। जस्ट इसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, एडिट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट्स फ्री। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा अपलोड फाइल का। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको जिस भी पीडीएफ को एडिट करना है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करो एंड जो भी फाइल आपका पीडीएफ है उसको चूज करके यहाँ पे ओपन कर दो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है और प्रॉपरली देखो यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक एकदम अपलोड हो गया है और ये जो है एक डेमो फाइल है, तो इसको अभी मैं एडिट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको टूल्स देखने को मिलता है, जैसे कि ऊपर में है टेक्स्ट, लिंक्स, फॉर्म्स, इमेज, साइन, व्हाइट आउट, एनोटेट, शेप, मोर। मोर के अंदर में जैसे कि फाइंड एंड रिप्लेस एंड अंडू का, एंड बाहर में लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा डिलीट, जूम इन, जूम आउट, इस तरह का बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो जैसे कि अब यहाँ पे एडिट क्या करना है कि मान लो कि यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है डेमो पीडीएफ, है ना। तो अभी इसको मान लो ये गलती हो गया, मुझे इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे जो ऊपर में जो टूल दिया हुआ है टेक्स्ट का उस पर क्लिक करो, देन यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद इसको इरेज करके यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट, है ना। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा तो यहाँ पे ये जो है ऐड हो गया, यानी कि चेंज हो गया। उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ कि एक तो कोई भी और भी टेक्स्ट मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट है ऑन, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो फिर से वो टेक्स्ट वाला सेलेक्ट कर लो, देन इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नजरुद्दीन अहमद, ठीक है। देखो मैंने नजरुद्दीन अहमद लिख दिया एंड यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये भी मेरा जो है सेट हो गया है। अब हमने क्या किया, अभी तो टाइटल चेंज कर लिया, एक और टेक्स्ट चेंज कर लिया, अब मैं आपको एक पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, तो पिक्चर ऐड करने कैसे है, तो ऊपर में जो पिक्चर का जो टूल है उस पर क्लिक करो एंड वहाँ पे जो है सेलेक्ट करो, जहाँ भी आपने अपने डेस्कटॉप पे या फिर जहाँ भी रखा हुआ है वहाँ से एक पिक्चर को चूज़ कर लो एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कि क्लिक करोगे तो देखो आपके यहाँ पे आ गया है। अब ये साइज इसका बड़ा होगा तो इसको आप फिट कर लो, मतलब यानी कि क्रॉप करो, जितना भी आपका पेज में रखना है उस हिसाब से फिट करके, देखो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना टाइटल भी चेंज किया, वो चेंज हो गया है एंड मैंने एक टेक्स्ट भी चेंज किया जहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है एंड यहाँ पे मैंने एक फोटो भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब मान लो बेसिकली मुझे चेंज नहीं करना है, जो बेसिक चीज़ें था वो मैंने चेंज करके आपको दिखा दिया है। अब क्या करना है, नीचे में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्लाई चेंजेस का, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपने चेंजेस किया है वो एक प्रीव्यू में आपको दिखेगा, चाहे एक पेज का हो, चाहे दो पेज का हो, चाहे पाँच पेज का, वो पूरा का पूरा आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा कि आपने क्या कैसे चेंजेस किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको कुछ लिंक भी मिल जाता है, ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन है या फिर डायरेक्ट आप सेंड भी कर सकते हैं किसी को, यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर में, बट मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे इसको डाउनलोड करने वाला हूँ। तो ऊपर में देखो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ये डाउनलोड होगा, देन उसके बाद जो है ये डाउनलोड हो जाने के बाद अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो है मैंने चेंज जो किया वो चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पे चेंजेस किए थे वो सारा यहाँ पे चेंजेस हो गया है, यानी कि वहाँ पे मैंने टाइटल चेंज किया था, डेमो पीडीएफ से मैंने किया था फॉर्मेट में, उसके बाद यहाँ पे ऑन को मैंने बदला था मतलब नजरुद्दीन अहमद में, और एक पिक्चर भी ऐड किया था, वो सारा यहाँ पे दिख रहा है ना। तो सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो गया है। तो देखा गाइस कितना इजी तरीका था, मतलब जो है पीडीएफ को एडिट करना।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। गाइस सिर्फ आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।